मुहूर्त में होते इंदौर के मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई। कल शाम सूतक लगने के बाद से मंदिरों में देव दर्शन और पूजा नहीं की जा रही थी। गुरुवार को ग्रहण खत्म होते ही लोग मंदिरों पर दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर के बंद दरवाजे से झांक रहे यह श्रद्धालु ग्रहण के बाद अपने ईष्ट देव के दर्शन के लिए जमा हुए हैं। यह नज़ारा है विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा वाले इंदौर के बड़े गणपति मंदिर का, जहां मंदिर के बाहर श्रद्धालु दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंदिर के अंदर पुजारी परिवार भगवान गणेश की प्रतिमा का जल अभिषेक और मंदिर प्रांगण की धुलाई करने में जुटे हुए थे। दरअसल मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद देव प्रतिमा और प्रांगण की पवित्रता के लिए गंगा जल से धुलाई की जाती है, जिसके बाद दर्शन किए जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यह इस साल का आखिरी ग्रहण था। अगला ग्रहण सन 2020 में लगेगा।